देखिए आज मैं सूजी का केक बना रही हूँ। इसमें 1 कप सूजी और 1 कप चीनी और 1 कप दूध। दूध को बॉईल करके हमने मिलाया और आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब आधे घंटे बाद मैंने इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा नॉर्मल सोडा मिला के, दूध उतना ही था, अगर कम पड़े तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। और ये बैटर हमारा तैयार है। लास्ट में हमने थोड़ा एसेंस भी डाल लिया है। और अब हम इसको देखिए, इसमें केक का जो बर्तन है इसमें पहले हमने घी लगा लिया, उसके बाद थोड़ा मैदा डाल के उसको ऐसे पूरा फैला लिया और जो मैदा एक्स्ट्रा बचा था उसको निकाल लिया। ये मैंने ऑलरेडी तवे पे नमक डाल के प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसको रख के इसमें डाल के और रख देती हूँ करीब आधा घंटे के लिए। आधे घंटे में ये रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद ही हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अखरोट और बादाम का पाउडर डालेंगे, ये देखिए। और ये थोड़ी टूटी फ्रूटी मैं मिक्स लेके आई हूँ, रेड एंड ग्रीन। आप जो चाहे या आप एक भी चॉइस करें तो एक भी डाल सकते। मुझे रेड और ग्रीन दोनों अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने रेड और ग्रीन दोनों डाल दिए इसमें। बस हम अब इसे बेक होने के लिए रख देंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब इसको हम कवर कर देंगे। और देखिए ये अब हमारा केक बेक होके रेडी हो गया है। देखिए अब मैं आपको एक पीस काट के भी दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट केक बना है। बिल्कुल कोई बटर नहीं, कोई घी नहीं, कोई ऑयल नहीं। देखिए आपने देखा भी होगा, देखो फूल के वहीं आ गया। तो आप भी अपने घर में केक बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। जय श्री श्याम। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय श्री श्याम।